मेरा नाम नजमारा है। मैं रेडियो पाकिस्तान से, मतलब 1952 में मुंसलिक हुई थी। 1959 में जो रिकॉर्ड हुआ वो HMV वालों ने रिकॉर्ड किया तराना, तो बस वही फाइनल तराना था हमारा। और मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र का बाइस रहा उस तराने की रिकॉर्डिंग जो हुई, और जिसके लिए मुझे अब तक बहुत खुशी होती है। मैंने कौमी तराने का कोई मुआवजा नहीं लिया। मेरे वाली साहब बहुत खिलाफ थे इस बात के, उन्होंने मना कर दिया था कि कोई मुआवजा नहीं लेना है आपको बस। और मेरे साथ भी जो लोग थे वो 11 लोग थे तकरीबन, उसमें नसीमा शाहीन थी, शमीम बानो थी, कौकब जहाँ थी, तनवीर जहान थी, अहमद रुजी थे, अख्तर वसी अली थे, और दो तीन थे जिनका मुझे नाम याद नहीं है। असल में बुखारी साहब ने जो डायरेक्टर जनरल थे उनसे मेरे यानी वालिद का बड़ा देरीना ताल्लुक़ था, तो उन्होंने मेरा नाम सेलेक्ट किया कि तो सबसे पहले मेरा ही नाम सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद लोगों का वो हुआ। तो लेकिन मेरे एकदम से मुझे जब पता चला तो वाकई में नाकाबिले बयान थी वो खुशी जो उस वक्त हुई थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। और बाद तक बहुत मुद्दतों यानी अब तक ही ये रहा है कि कौमी तराने की वजह से लोग ज़्यादा जानते हैं मुझे बनिस्बत रेडियो आर्टिस्ट होने के। सुबह से लेके शाम तक हमारा रिकॉर्डिंग रही, वो सैयद मेहंदी जहीर ने उसको मतलब पूरा उन्होंने आवाज़ और अल्फाज का जो इंतज़ार था वो उन्हीं की वजह से बहुत मेहनत की उन्होंने, और इंतहाई कामयाबी से उन्होंने शाम तक मतलब उसको वो किया, मतलब शाम तक ख़त्म हो गया था हमारी रिकॉर्डिंग। मैं 5-6 साल की उम्र से मैं कॉपी करती थी गानों की, बहुत कम उम्री थी मैं, तो शौक़ था। वही बुखारी साहब ने वालिद से कहा मेरे कि भई ये तुम्हारी लड़की बहुत आवाज़ अच्छी है तो उसको रेडियो पाकिस्तान भेज दो तुम। तो बुखारी साहब ने मुझे मतलब बुलवाया, फिर मुझे रेडियो पाकिस्तान से वाबस्तगी हो गई मेरी। अवार्ड दिया उन्होंने रेडियो पाकिस्तान वालों ने, इस्लामाबाद में नहीं मिला। फिल्म में भी मेरे रिश्तेदार ने बनाई थी, उसमें भी गाने मैंने गाए थे। वो फिल्म रूही थी जो बैन कर दी थी बाद में हुकूमत ने, लेकिन गाने उसके एक साल तक बचते रहे उसमें। उसमें मेरे गाने थे, इनायत हुसैन भट्टी साहब के थे, और एक प्रोफेसर थी ज़किया दिल मोहम्मद, उनके गाने।